गुजरात हवामान विभाग द्वारा आगामी 5 दिवस राज्य में वादळछायुं वातावरण रहेवा साथे राज्य में सामान्य वरसादनी संभावना दर्शाववामां आवी अने दक्षिण गुजरात में तारीख 25 અને 26 જૂનના रोज भारे वरसादनी आगाही करी। सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, डांग, वडोदरा, भरूच में वरसादनी आगाही करी छे। साथे अरबी समुद्र में हजी चोमासु आगळ वध्युं नथी अने कोई वरसादी सिस्टम सक्रिय नथी थई। नोंधनीय छे के अमदावाद में पण वादळछायुं वातावरण रहेवानी संभावनाओ छे, तो बीजी तरफ वातावरण में भेजना कारणे दक्षिण गुजरात अने उत्तर गुजरात में वरसादी माहौल छे। अगले 5 दिन में गुजरात में मोस्टली रेन होने का संभावना है। आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन हो सकता है अगले 3 दिन के लिए, लेकिन 25-26 तारीख को रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का संभावना है एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजियन में, जैसे वलसाड, नवसारी, सूरत में भी हो सकता है। और सौराष्ट्र कच्छ में अगले 2 दिन में वेदर मोस्टली ड्राई होने का संभावना है और बारिश होने का संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन 26 तारीख से आइसोलेटेड लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। कहीं कहीं जगहों में मॉडरेट रेन भी हो सकता है। अभी तक मानसून प्रोग्रेस का संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं अगले सिस्टम के लिए। अगले सिस्टम आने के बाद ही मानसून का प्रोग्रेस का बारे में हम क्लियरली बता सकते हैं। अहमदाबाद में कुछ ऐसे पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा, रेनफॉल होने का ज़्यादा संभावना नहीं है। एक आध जगह में कोई लाइट रेन हो गया तो हो गया, लेकिन बिल्कुल बहुत कम चांस है रेन होने।